नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और मेरे साथ है मेरे सहयोगी सादाब। और आज हम चर्चा करेंगे ये जो खबरें आ रही है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार में जो है सत्ता परिवर्तन नहीं पार्टी परिवर्तन करने वाले हैं। अभी तक वो आरजेडी के साथ मुख्यमंत्री बने हुए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे और 48 घंटे के अंदर बीजेपी का दामन दोबारा से थाम सकते हैं, जिसका दामन उन्होंने छोड़ दिया था। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ऐसी क्या मजबूरी है बीजेपी की कि बार बार पलट जाने वाले नीतीश कुमार को बीजेपी बार बार अपना समर्थन क्यों दे रही है? बिल्कुल, देखिए आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुशील मोदी जो कि उप मुख्यमंत्री रहे थे नीतीश कुमार के साथ, आज उन्होंने बयान दिया कि राजनीति में स्थिति बदलती रहती है और बीजेपी के दरवाजे अब नीतीश कुमार के लिए खुल गए हैं। आपको याद होगा बाबा कि यही सुशील मोदी हैं और गिरिराज सिंह हैं जिन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए चाहे कुछ हो जाए, अब हम बिहार में नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उन्होंने भी कहा था कि हम नीतीश कुमार के साथ अब सरकार नहीं बनाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से पलटी मारते हैं कभी आरजेडी के साथ कभी बीजेपी के साथ, वो उसको लेकर बड़े नाराज थे बीजेपी के लोग। पहले ये बता दीजिए कितनी बार पलटी मार चुके। देखिए बड़ी लंबी लिस्ट है, इसको जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने देखा कि जो है इसमें नीतीश कुमार जो है लगातार पलटी मारते रहे हैं और वो 2013 में लालू यादव की पार्टी के साथ आए थे, 2003 में समता पार्टी बनी थी, उसके बाद उन्होंने जेडीयू बनाई और 2013 तक बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती रही। फिर लोकसभा चुनाव में 2013 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने यह घोषित किया बाबा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार होंगे प्रधानमंत्री पद के, तो नीतीश कुमार बहुत नाराज हुए उस वक्त, क्योंकि आपको आपको याद होगा कि एक टाइम में उन्होंने प्रधानमंत्री के गले लगने से भी इनकार किया था, जो आज मौजूदा प्रधानमंत्री है वो पीछे हट गए थे स्टेज पे। तो वो 2013 में नाराज हो गए बीजेपी से, उन्होंने कहा कि नीतीश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया 2013 में और लालू यादव से हाथ मिला लिया, लालू यादव के साथ चले गए, लालू यादव के साथ सरकार भी बनाई, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। एक बात ध्यान रखने वाली है बाबा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनते हैं, बीजेपी के साथ जाते हैं तो भी बन और आरजेडी के साथ जाते हैं तो भी बन। बात खत्म करिए फिर मैं इसे सुनाऊंगा। फिर 2017 में उन्होंने आरजेडी से नाता तोड़ दिया और उसके बाद जो है फिर 2 साल के बाद फिर आरजेडी से दोस्ती कर ली और उसके बाद लालू नीतीश की दोस्ती के सारे समीकरण ढह गए, उसके बाद फिर वो लालू के साथ आए और अब तोड़ रहे हैं। तो आपसे मैं ये सवाल करूंगा कि आखिरकार नीतीश कुमार क्यों बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए हैं, क्या वजह है कि चाहे लालू हो या बीजेपी हो नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाती है? देखिए बिहार में कहावत है कि वोट आप किसी को भी दीजिए मुख्यमंत्री तो नीतीश से बनेंगे, जैसे बिहार में बोलते हैं तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, तो ये कहावत है। इसलिए लोग जो है ना किसी को भी वोट देता है उसको मालूम है कि यही आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि कम से कम उनकी छवि जो है ना साफ है। आज तक इतने साल मतलब 7-8 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 16-17-18 साल करीब मुख्यमंत्री रह चुके, सबसे लंबा टेन्योर हो जाएगा। अभी भी हटने को तैयार हाँ, अभी भी नहीं हटने को तैयार नहीं, और कोई दावा भी नहीं कर रहा है कि हमें बना दो, जो भी बोलता है उप मुख्यमंत्री ही दे दो, चाहे आरजेडी के साथ जाते हैं चाहे फिर बीजेपी के साथ जाते हैं। तो अब जो हमारा ये सवाल है कि बार बार पलट जाने वाले नीतीश को बीजेपी क्यों देती है अपना समर्थन, अब यहाँ पे आपको समझने के लिए समझना होगा कि बीजेपी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बिहार महत्वपूर्ण क्यों है। दो राज्य की चर्चा करूंगा यहाँ पे केवल, एक बिहार की और एक महाराष्ट्र की। दोनों में देखिये स्थिति सेम है। महाराष्ट्र में क्या हुआ था, पिछली बार जो है शिवसेना और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ी थी, स्वीप किया था लोकसभा का चुनाव, उसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है और बीजेपी में झगड़ा हो गया है, विधानसभा चुनाव में उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया एनसीपी कांग्रेस के साथ, उद्धव ठाकरे ने शिवसेना ने सरकार बना ली, तोड़ दिया शिवसेना को बीजेपी के पास। उसके बाद बीजेपी ने क्या किया, अब बीजेपी को लगा कि यदि ये तीनों आ गए तो वहां पे खेल खराब हो जाएगा। बीजेपी ये जानती है कि साउथ में अब उनके पास जगह है नहीं, आगे जा नहीं सकते, मतलब ग्रो नहीं कर पा रहे हैं वहां पे। नॉर्थ में जो उत्तर भारत में जो सीटें जीती है उनको बरकरार रखना जरूरी है क्योंकि वहां भी वो मैक्सिमम तक, और बिहार बड़ा राज्य है, बिहार महाराष्ट्र यूपी, तो यूपी तो आपको अलग अलग बात है, वहां पे एक अलग लहर चल रही है, लेकिन महाराष्ट्र 48 सीट और 40 सीट वाली बिहार 88 सीट हो गई। तो ये दोनों राज्य काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र में शिवसेना को पहले तोड़ी, उसके बाद एनसीपी को भी तोड़ा, वहां भी मुख्यमंत्री जो अब छोटे गुट के नेता थे उनको बनाया, खुद डिप्टी सीएम बने जो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है टूटने के बाद, और
और एनसीपी से एक और बना दिया, दो डिप्टी अजीत पवार को बना दिया और वहां पे अपनी स्थिति। दोनों राज्यों में बीजेपी मुख्यमंत्री पद ना लेके सहयोगी को दे रही है, गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं। अब बिहार में क्या हुआ देखिए, जेडीयू और बीजेपी मिलके चुनाव लड़े, 17 और 16 सीट जीती, 17 सीट बीजेपी जीती, 16 सीट जो है वो वोट परसेंटेज भी आपके पास आते हैं तो बता सकते हैं उसके बाद। हाँ मैं बता दूंगा, लेकिन अब यहाँ पे क्या था, जब ये पलट के चले और आरजेडी के पास आज के दिन लोकसभा का एक भी सांसद नहीं है, जेडीयू और आरजेडी जब एक साथ हो गए और उसमें यदि कांग्रेस का वोट और लेफ्ट का वोट यदि आप जोड़ दें तो बीजेपी को ये एहसास हो गया था कि उनकी स्थिति यहाँ पे अच्छी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, प्लान के तहत बोला कि यहाँ पर एक, क्योंकि बिहार की राजनीति बहुत सिंपल है, तीन पार्टियां हैं, तीनों का वोट परसेंट जो है ना डबल डिजिट में है, तो इसमें जो दो साथ आ जाए ना वो जीत रहा और इसी का फायदा शायद नीतीश कुमार उठाते हैं कि बार बार जो है मुख्यमंत्री बनते हैं जबकि सबसे छोटा दल है उनका, तीसरे नंबर की पार्टी है। और यहाँ पे इसलिए उन्होंने ये किया, वही महाराष्ट्र फॉर्मूला अपनाया, नीतीश कुमार 2025 तक सीएम रहेंगे, दो डिप्टी सीएम बीजेपी होंगे, कौन होंगे, सुशील मोदी होंगे या जो पिछली बार थे वो होंगे, ये कहा रेणु देवी थी, रेणु देवी और एक और थे, तो उनको रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, लेकिन वही महाराष्ट्र का फॉर्मूला, क्योंकि उनको मालूम है कि 48 सीट महाराष्ट्र की और 40 सीट बिहार की, जहां पे 39 जीते थे जेडीयू और बीजेपी मिलाकर के, समझ गए, तो ये कितना महत्वपूर्ण है और ये आंकड़ा जो है अगले लोकसभा में काफी मायने रखेगा। और तीसरा जो राज्य है वो बंगाल है, जहाँ पे कि वो बीजेपी जो है, मुझे लगता है कि जिस ढंग से ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी हो रही है, वो वहां भी गठबंधन नहीं होता है तो बीजेपी अपनी जो है वहां भी 18 सीट जो है या उससे अधिक लाने की कोशिश करेगी, ताकि वो दक्षिण भारत की सीटों की भरपाई कर सके। अच्छा बाबा, तो अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट कुछ बता देते हैं कि ये चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार राज्यपाल से मिल सकते हैं, हालांकि 26 जनवरी को आमतौर पर मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलने जाते हैं, तो अब राज्यपाल और नीतीश कुमार के बीच क्या बातचीत होगी ये बता पाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कहा जा रहा है, ऐसे बिहार में देश की राजनीति में चर्चा है कि वो आरजेडी से गठबंधन तोड़ सकते हैं और वो भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। हालांकि कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन अभी नहीं आया है। जो जेडीयू के नेता हैं केसी त्यागी, कल उन्होंने इस बात का खंडन किया है और कहा है कि ऐसा कोई योजना नहीं है और वो इंडिया अलायंस के साथ हैं, ऐसा केसी त्यागी ने कहा है। देखिए बाबा, ये भी बता देते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। आपको याद होगा कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे ने एक प्रोग्राम रखा था जहां पे नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर हमला बोला था, और उसके बाद जो लालू यादव की बेटी है उन्होंने 3 ट्वीट किए लगातार, हालांकि बाद में डिलीट किया, लेकिन एक ट्वीट पे उन्होंने नीतीश कुमार पर सवाल उठाया, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि आरजेडी और जेडीयू के संबंध बेहद खराब हैं। नीतीश कुमार ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, 15 मिनट के अंदर वो मीटिंग खत्म कर दी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और कहा गया कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के संबंध खराब हो गए हैं, आपस में कोई बातचीत नहीं हुई। आपको ये भी पता होगा बाबा कि लालू यादव ने फोन किया नीतीश कुमार को, उनको मनाने की कोशिश की कि ये खबरें आ रही हैं कि आप नाराज हैं, क्या बात है बताइए, हम लोग बैठकर बातचीत कर लेते हैं। कांग्रेस के एक नेता ने अभी आपको भी कंफर्म किया, हमें भी कंफर्म किया कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने नीतीश कुमार से बात करने की कोशिश की है, कांग्रेस भी उनको मना रही है नीतीश कुमार को, लेकिन कहीं से बात बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है, नीतीश नाराज है। तो बाबा, अब मेरा आपके से सवाल यही होगा कि अब जो मौजूदा स्थिति है, जो राज्यपाल से मिलने की बात कही जा रही है, तो नीतीश कुमार अब क्या करेंगे, क्या विकल्प आप देखते हैं कि क्या वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे या बीजेपी का मुख्यमंत्री बना देंगे या कुछ और करेंगे, ये हालांकि ये हाइपोथेटिकल सवाल है। पहले तो एक बात तो हम साफ कर दें यहाँ पे अपने दर्शकों को कि पहले जो कहा जा रहा था कि कैबिनेट डिसॉल्व होगी और विधानसभा भंग होगी और लोकसभा के साथ चुनाव होंगे, वो सब नहीं हो रहा है। 2025 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, जैसे पिछली बार कहा था उन्होंने, वो रिजाइन करेंगे, रिजाइन करने के बाद फिर से वो एक समर्थन की चिट्ठी ले जाके उनको केयर टेकर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तब तक वो फिर एक जो है अपने नए सहयोगी दल यानी बीजेपी के समर्थन की चिट्ठी लेकर। लेकिन नीतीश कुमार चुप है, क्या आपको लगता है कि वो बातचीत करने के बाद सामने आना चाहते हैं, या ऐसा तो नहीं होगा कि वो आज सामने आए और कहें कि नहीं सब कुछ ठीक है? वो इसलिए चुप है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी बिहार बीजेपी के नेता है उन्होंने जो दिल्ली में मीटिंग हुई है कल, साफ मना कर दिया था अपने आला कमान को कि नहीं, हमें नीतीश कुमार का साथ नहीं लेना चाहिए, ये हमारे क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो है दिल्ली में बीजेपी के जो बड़े नेता है वो जानते हैं कि बिहार जीतने के लिए जो है नीतीश जो है क्यों है जरूरी, तो इसलिए जैसा मैंने समझाया कि ये 40 सीटें यदि ये दोनों मिलकर पिछले बार 40 में से 39 सीटें जीते थे, तो इस बार 40 में से 40 क्यों नहीं, तो इसलिए जो है बीजेपी जो है एक भी
जो है सीट खोना नहीं चाहती है 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी राज्य में, इसलिए वो अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए यहाँ पर जो है वो नीतीश कुमार के साथ जा रही है। तो बाबा एक चर्चा और भी जरूरी है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार लालू यादव से नाराज हो गए और इंडिया अलायंस जो उन्होंने बनाया था जिसके वो कर्ता धर्ता बनना चाहते थे उससे नाराज हो गए। देखिए जो 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 खबरें हैं सोर्सेस के मुताबिक वो ये है कि नीतीश कुमार ये चाहते थे कि इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा जल्दी हो जाए और उन्होंने दिसंबर की एक डेडलाइन तय की थी कि दिसंबर लास्ट तक सीटों का बंटवारा होना चाहिए, लेकिन वो बंटवारा नहीं हो पाया। फिर संयोजक को लेकर विवाद हुआ, नीतीश कुमार चाहते थे कि जल्द से जल्द संयोजक बनाया जाए, लेकिन कहा जा रहा है कि पिछली मीटिंग में राहुल गांधी ने यह कह दिया कि संयोजक को लेकर थोड़ा सा अभी और विचार करना चाहिए। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी उछाला था, जिसके बाद नीतीश कुमार थोड़ा नाराज भी हुए, वो ऐसी खबरें आई वो चले गए। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार क्यों नाराज हुए लालू यादव से या जो अलायंस जो 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 इंडिया अलायंस है उससे? देखिए अभी भी मुझे लगता है ना कांग्रेस जो है इंडिया अलायंस को लेकर के कभी उतनी सीरियस रही नहीं, सीधे सीधे कहने में कोई एतराज नहीं है। इस अलायंस को बनाने में नीतीश कुमार ने बहुत मेहनत की, ममता बनर्जी भी दो कॉन्सेप्ट नीतीश कुमार लेकर आए थे और वह बनाने की कोशिश की, सब लोग इकट्ठा हुए। लेकिन जहां पर जो है ना राहुल गांधी की 10 जनपद की बात आती है, कांग्रेस जो है ना अपनी लीक से भटक जाती है। आज के दिन भी उनको अपनी यात्रा पर ज्यादा फोकस करना है, उसके पहले भी जो है उनको विधानसभा चुनाव पे फोकस किया, इसको पीछे रखा। अब आप ये बताइए, आप ये कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है या कोई फ्री थिंकर्स का कोई जमावड़ा है क्या? आप यदि बंगाल में ममता बनर्जी के साथ कोई गठबंधन करना चाहते हैं और वहां पे उसका प्रदेश अध्यक्ष रोज ममता बनर्जी को उल्टा सीधा कहे, ये कैसा होगा अलायंस? क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो कांग्रेस पार्टी को या तो ये कांग्रेस पार्टी को पक्का कर लेना चाहिए कि वो अकेले ही लड़ेगी, तो फिर ये नौटंकी बंद कीजिए। कांग्रेस हमने नेताओं को रोक नहीं पा रही, रोक नहीं। वही तो मैंने कहा, चौधरी लगातार बोल रहे हैं, रोज बयान देते हैं। तो आप क्या मानते हैं, वहाँ का जो तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता है या लोकल लेवल का नेता है या वहाँ का जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो क्या उसको पसंद करेगा? अजय राय को आपने यूपी में देखा बोला, कमलनाथ ने कहा कि कौन अखिलेश। आप ओबीसी की बात करते हैं, आप ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं, आप उठा के देख लीजिए बिहार यूपी में आपने किसको अध्यक्ष बनाया हुआ। तो बोलना एक अलग बात है, राजनीतिक पार्टी जो है ना आपको एनजीओ नहीं चला रहे, आप यहाँ आए इलेक्शन जीतने के लिए, उसके लिए आपके पास आज के दिन कोई नहीं। आप इतने सालों तक कांग्रेस आपने को करके, आज के दिन भी मैं दावे के साथ करता हूँ 24 अक्टूबर उठ जाइए, एक एक छोटे छोटे लोग जो है उनसे बात कीजिए, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से बात कीजिए जो पूरे देश भर में आते हैं, मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ। तो बाबा हमारा सवाल वही रहेगा कि नीतीश कुमार क्यों नाराज है, आपको क्या लगता है उसकी 2-3 वजह अगर मैं आपसे जानना चाहूँ क्या वजह है? नीतीश कुमार को एक तो आपने जो एक सम्मानजनक जो पद संयोजक का यदि वो चाहते थे तो आपको देना चाहिए था। शुरुआत में ही दे देते थे। दूसरा वो जो बात कर रहे हैं कि सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए था, क्योंकि देखिए उनका बीजेपी के साथ सीटों का बंटवारा जो है ना वो सॉर्टेड है, क्योंकि दोनों ने अपने अपने सीट जीते हुए 17-17 17-17 लड़ेंगे फिर वो, जिसमें 16 ये जीती थी, 17 बीजेपी जीती थी, 16 जेडीयू। उनको मालूम था कि यदि आरजेडी के साथ उनको सीटों का बंटवारा करना है तो वो ज्यादा मुश्किल वाला होगा, क्योंकि आरजेडी केवल बीजेपी वाली सीटें लड़ने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि आरजेडी में के विधानसभा में बहुत अच्छे नंबर है, नंबर वन पार्टी है, उनके पास 80 से ज्यादा विधायक है। और मतलब आप कहें तो जेडीयू से डबल नंबर है विधायकों के, वहां पे सीटों का बंटवारा होगा तो उसमें ज्यादा टाइम लगने। लेकिन कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जिस नरेंद्र मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार ने ये गठबंधन बनाने की कोशिश की, इंडिया अलायंस बनाया, आप आखिर उन्हीं की गोद में जाकर बैठ जा रहे हैं, ये नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी पर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार क्यों नीतीश कुमार बार बार पलटी मारते हैं, कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं, फिर बीजेपी के साथ गए, फिर आरजेडी के साथ आए, फिर बीजेपी के साथ जा रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो नीतीश कुमार की जो छवि है वो डेंट हो जाएगी, लोग नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं करेंगे, वोटर कैसे भरोसा करेगा, क्योंकि आज वो बीजेपी के साथ हैं, कल को वो फिर आरजेडी के साथ चले जाएं तो फिर क्या होगा? देखिए वो बिहार का वोटर है ना, वो नीतीश कुमार को जानता है, और बाकी हमको जो दिल्ली में बैठा हुआ बिहारी है वो पॉलिटिकल मोरालिटी की बात खूब कर सकता है, लेकिन वो अभी सबको मालूम है कि वहां पर जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास का वोट है ना वो नीतीश कुमार के पास ही है, चाहे वो किसी के साथ रहे। एक समय जो जैसे मुस्लिम यादव का वोट कहते हैं ना आप, और ओबीसी का वोट एक समय लालू यादव के पास था, लालू यादव के पास भी है, लेकिन जैसा मैंने कहा ना त्रासदी है बिहार की राजनीति में कि तीन पार्टियां हैं, तीन पार्टियों में दो को एक साथ आना ही होगा तभी वहां पर सरकार बनेगी आप अपनी जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। आज के दिन विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद आरजेडी के पास एक भी लोकसभा में सांसद नहीं है, क्यों?
तो आपको वो जो 10-15-20% वोट चाहे ना, वो चाहिए आपको। अब यहाँ पे एक बात करनी जरूरी है शादाब, कि आरजेडी क्या कर रही है? लालू यादव तो खाली नहीं बैठे हुए। जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल अच्छा सवाल उठाया। और बाबा जैसा कि कल रिपोर्ट्स आई कि लालू यादव ने नीतीश कुमार से टेलीफोन से बातचीत की है और उनको मनाने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी बेटी से ट्वीट डिलीट कराया, आपने देखा कि 2 मिनट के अंदर वो ट्वीट उन्होंने डिलीट किया रोहिणी ने। और उसके बाद जो तेजस्वी हैं उन्होंने भी कल कहा जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में जो आइस ब्रेक करने की कोशिश की, नीतीश कुमार से बात करने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार ने बात नहीं की, ऐसा लोग बता रहे हैं। हम और आप तो वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन लोग बता रहे हैं कि नीतीश कुमार बात नहीं कर रहे हैं तेजस्वी से। मैंने रोहिणी से आज बात करने की कोशिश की, मैं पहले भी 2 बार उसका इंटरव्यू कर चुका हूं। मैं वो लड़की बहुत है, लेकिन पता नहीं कैसा ट्वीट, क्योंकि हालांकि उनका उनका ये कहना था कि मेरे ट्वीट को लेकर के मुझे क्यों आप टारगेट करते हैं, हालांकि उनकी बात अलग है। उन्होंने अभी फिलहाल कुछ बोलने से मना कर दिया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं किसी न किसी दिन उनका इंटरव्यू करूंगा। मैं पिछले 2 बार भी कर चुका। आरजेडी की कोशिश क्या है? आरजेडी को 8 विधायक चाहिए। वो 8 विधायक कहाँ से आएंगे? 4 विधायक जो है मांझी के पास है, जीतन राम मांझी के पास है, हम पार्टी के। अब जो है कहा जा रहा है कि आरजेडी जो है जीतन राम मांझी को डिप्टी सीएम का पोस्ट ऑफर कर रही है और लोकसभा में 3 सीटें देने की बात कह रही है। हाँ, यानी लालू भी खामोश नहीं बैठेंगे। हाँ, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो अपनी सरकार बचाने की, सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश, क्योंकि बीजेपी जो है वो जीतन राम मांझी को 1 लोकसभा दे रही है, समझ गए आप? क्योंकि आप 17-17 लड़ोगे तो आपके पास 6 ही बचता है, 40 है, 17-34 6 में आपको जीतन राम मांझी को देना है, कुछ वहा को भी देना है, आपको चिराग पासवान को भी देना है, पारस को देना है। पारस को तो आप कहोगे चलो आपकी उम्र हो गई है, जो है मैं आपको राज्यसभा दे दूंगा। पारस मेरे जो है 7-8 बार के विधायक रह चुके हैं। अच्छा, जहाँ से आपका घर है, पैतृक घर है जहाँ में, तो मैं इन सबको अच्छी तरह से जानता हूँ, इनकी राजनीति को भी जानता हूँ, तो ये डील हो सकता है। लेकिन इसलिए बीजेपी को में जो इलाज है ना उसको एकोमोडेट करना भी बीजेपी के लिए चुनौती है। इसलिए लालू ने ये पासा फेंका है जीतन राम मांझी को कि आप हमारे साथ आजिए, आपको डिप्टी सीएम बनाऊंगा और आपको 3 लोकसभा का। जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के रिश्ते भी खराब है, बेहद। आपको याद होगा कि इसका नजारा भी दिखा था पिछले दिन, उन्होंने विधानसभा में उल्टा सीधा कहा था जीतन राम मांझी को, हालांकि बाद में मनाया भी था। और तो इसलिए बीजेपी ने जीतन राम मांझी को मनाने का वो बीड़ा उठाया, नित्यानंद राय को इस काम पे लगाया गया है कि वो जाके मनाए, और वो कहा जा रहा फिलहाल मान गए। आगे बीजेपी ने जीतन राम मांझी को क्या प्रॉमिस किया नहीं किया ये नहीं मालूम, लेकिन लालू यादव ने भी अपनी कोशिश नहीं छोड़ी है, क्योंकि जीतन राम मांझी के 2 ही दुखती वो जो नस है, एक तो उनके बेटा को चाहते जो कि एमएलसी हैं अभी, उनको विधान परिषद में एडजस्ट किया गया, और दामाद जो कि विधानसभा का चुनाव हार गए थे, तो वो चाहते हैं कि ये दोनों सेट हो जाए, समझ गए, और खुद अपना तो अब जो है पॉलिटिकल करियर, तो ये इसके लिए वो क्या बार्गेन में कहां तक जाएंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि लालू यादव भी कोई कोशिश नहीं छोड़ा। तो अब इस चर्चा को फाइनल स्टेज की तरफ ले चलते हैं, और जो अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं बिहार की राजनीति के लिए, और सबकी निगाहें नीतीश कुमार के अगले कदम पे लगी हुई है। बाबा कि नीतीश कुमार क्या करेंगे जब वो गवर्नर से मिलेंगे, तो क्या वो कोई नई बात गवर्नर के सामने करेंगे, क्या कोई नई सूची पेश करेंगे, या क्या कहेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार चुप है, नीतीश कुमार ने अभी तक 1 लफ्ज भी नहीं बोला है, लालू यादव और तेजस्वी यादव ने भी कुछ नहीं बोला है, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता भी अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, तो कुल मिलाकर कोई भी अभी पत्ते नहीं खोल रहा है। जो खबरें आ रही हैं वो सोर्सेस से ही आ रही हैं। केसी त्यागी का बयान आया था जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की, जिसमें वो ये दावा कर रहे थे कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है और कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा उन्होंने दावा किया। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा है कि जो केसी त्यागी कह रहे थे वो सही है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि बिहार के साथ साथ पूरे देश के जो लोग हैं वो सांस रोककर बैठे हैं कि आखिरकार ये जो राजनीतिक परिवर्तन है बिहार में क्या ये होगा, और अगर होगा तो कब होगा। तो माना ये जा रहा है कि 48 घंटे में कुछ बड़ा बिहार में हो सकता है। तो बाबा आपका फाइनल कमेंट जो इस पूरी बिहार की राजनीति है उस पर क्या है? ये मुझे लगता है कि ये जो आराम गया आराम की स्थिति हो रही है, पहली बार जो है पूरे देश के लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जितने भी राजनीति में रुचि रखने वाले लोग हैं, और खासकर जो हम लोग जैसे लोग जो पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं और दिन रात इसी की बात करते हैं, उनके लिए भी एक बड़ी उत्सुकता वाली शोध है। नीतीश कुमार के ऊपर एक रिसर्च होनी चाहिए, रिसर्च होने जो पीएचडी मटेरियल है वो। लेकिन ये बात तय है कि मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे, जैसे हमारे बिहार में होता है वोट जकरा भी देवा नीतीश कुमार बनेंगे, समझे, तो वही बनेंगे। बीजेपी की अपनी मजबूरी है जो हमने एक्सप्लेन की है, लालू यादव अपना एक प्लान भी यदि लेके बैठे होंगे
वो क्या कर सकते, राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं लालू यादव, आसानी से हार नहीं मानेंगे, कोशिश करेंगे। कांग्रेस को एक सीख है कि यदि आपको एलायंस को कैसे ट्रीट करना है। मुझे लगता है अभी तक कांग्रेस को ये समझ में नहीं आया कि गठबंधन की सरकार कैसे बनाई जाती है। केवल सोनिया गांधी ने करके दिखाया है, ये बाकी के बस की बात नहीं है। इससे आगे मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। तो ये दो तीन चीजें हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि रविवार को जो है सारे ऑफिशियल प्रोग्राम जो है नीतीश कुमार ने कैंसिल कर दिए हैं। तो आप इंतजार कीजिए, अगले 48 घंटे बिहार की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। खबरों के मुताबिक जो जितनी जानकारी हमें है कि रविवार को नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं या अपने बीजेपी के समर्थन वाली चिट्ठी जो है राज्यपाल महोदय को सौंप सकते हैं और उसके बाद एक नए अलायंस की शुरुआत, एक पुराने अलायंस जो है वो एक बार फिर से होगा और उसमें वो जो है 2024 तक रहेगा और 2025 तक नीतीश मुख्यमंत्री बने रहे। आज हमें पॉलिटिकल बाबा में इतना ही, लेकिन आप हम बार बार आते रहेंगे और अपडेट देते रहेंगे नीतीश कुमार की इस स्टोरी पर। नमस्कार। नमस्कार।